दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर ने रियासती कल्चरल एकेडमी के इश्तराक से कदावर उन्वान के तहत मुक्तदर व मोतबर शख्सियात के साथ मुलाकात पर मबनी प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू किया है। इन शख्सियात की मुख्तलिफ शोबाजात में ऐसी देन रही है जिसे नज़रअंदाज करना एहसान फरामोशी है। प्रोग्रामों के इस सिलसिले का आगाज हमने सरसब्ज व शादाब जंगलात और सरबलंद पहाड़ों, पुरकह फजाओं और जाज़िबे नज़र कुदरती नज़ारों के दरमियान वाक़ा वांगत कंगन में दरबार बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह के सजादा नशीन जिनाब बशीर अहमद लारवी की कयामगाह पर उनके साथ एक तारीखी मुलाकात से किया। इस मौके पर साबिक रियासती वजीर व एमएलए कंगन मियां अल्ताफ अहमद, एमएलसी जफर इकबाल मनहास, मुमताज सहाफी शुजात बुखारी, गोजरी जुबान के उदबा गुलाम हुसैन जिया, इकबाल अजीम चौधरी, सलामुद्दीन वजाड़, मोहम्मद मनशा खाकी व अब्दुल सलाम कौसरी शमय महफिल से हम कलाम हुए, जबकि दूरदर्शन व रियासती कल्चरल एकेडमी के जोमा भी हाजिर महफिल थे। बाबा नगरी एक दीनी मरकज है, बाबा नगरी एक रूहानी मरकज है, बाबा नगरी शेर व अदबी मरकज है। चारों तरफ पहाड़ों और सरसब जंगलों से घिरा हुआ ये मरकज अपनी नज़ीर खुद पेश करता है। हजरत ना बाबा जी साहब ने अपने मुर्शद हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर संजोड़ा बालाकोट से हिजरत करके इस बाबा नगरी को अपना मस्कन बनाया, दीनी व रूहानी फैज़ के चश्मे जारी किए। इतना ही नहीं, दूर दराज से आने वालों के लिए लंगर का एहतमाम किया। हजरत मियां बशीर अहमद साहब, हजरत मियां मोहम्मद अब्दुल्ला उर्फ हजरत बाबा जी साहब के पोते और हजरत बाबा निज़ामुद्दीन लारवी के फर्जंद इस दरबार आलिया के मौजूदा सज्जादा नशीन हैं। आज के इस प्रोग्राम के एहतमाम का खास मकसद इबला बाबा साहब की शख्सियत, उनकी दीनी सियासी समाजी खिदमत, उनके कारनामों, उनकी यादों के जरोकों में झांकने और उनके तजर्बात के बारे में खुद उनकी ज़बानी जानने की कोशिश करें, ताकि हमारे और हमारी आइंदा नस्लों के लिए इस यादगार मजलिस को महफूज रखा जा सके। मैं उनके साहबजादे मियां अल्ताफ अहमद साहब, सबका काबीना वजीर और कंगन हलका से मौजूदा एमएलए इल्तमास करता हूँ कि वो मौजूद मेहमानों का इस्तकबालिया कलमात के लिए तशरीफ लाएं। दूरदर्शन के और कल्चर एकेडमी के हजरात तशरीफ लाए हैं। मैं अपनी तरफ से, बाबा जी की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे कुछ अर्सा पहले हारनी साहब ने कहा कि हम एक ऐसा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे एकेडमी की तरफ से और दूरदर्शन की तरफ से करना चाहते हैं, तो मैंने इनको कहा कि आप जब भी आएँ हम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, इसका इनिशिएटिव लेने के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारी जो ये प्यार और मोहब्बत है आपस में, ये कायम रहनी चाहिए। मैं डॉक्टर अजीज़ हाजनी साहब, सेक्रेटरी एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस से गुजारिश करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम के हवाले से थोड़ी रोशनी डालें। जनाब अजीज़ हाजनी साहब, मुझे लगता है कि दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर और रियासती कल्चरल एकेडमी की तारीख में आज एक शानदार बाब रकम हो रहा है, एक शानदार बाब हम तख्लीक कर रहे हैं। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम यहाँ हम घंटा बैठें, दो घंटा बैठें, कितना बैठेंगे, ये यहीं सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। ये अक्सबंद भी हो रहा है और ये लिखा भी जा रहा है, ये हमारे शिराजे में रिप्रोड्यूस होगा। पूरी जो बातचीत यहाँ होगी, जो मियाँ साहब के तजुर्बात होंगे, वो हम कलमबंदी भी करेंगे और अक्सबंद भी करेंगे। और मैंने ताहिर साहब के साथ जैसे ये तय किया है, ये पूरी जो इसकी रिकॉर्डिंग होगी ये आर्काइव्स में महफूज रहेगी।
और हम होंगे या ना होंगे, आने वाली पीढ़ियां भी इससे मुस्तफीद होती रहेंगी। और बुनियादी मकसद इस प्रोग्राम का जो है, मुझे लगता है कि आज इस दरबार में हम ज़्यादा फैज़याब हो जाएंगे, मुस्तफीद हो गया जाएंगे। बुनियादी मकसद यह है कि इस जैसी शख्सियात से लोग इंस्पायर हो जाए, आने वाली पीढ़ियां इंस्पायर हो जाए और उनको पता चले कि कितनी हमजहद शख्सियात रही हैं इस धरती पर, इस ज़मीन पर। मैं जनाब इकबाल अजीम चौधरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आज के प्रोग्राम के हवाले से मियाँ साहब का तारफ पेश करें और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए सवाल जवाब बात का सिलसिला शुरू करें। जनाब इकबाल अजीम चौधरी साहब। हज़रत मियाँ बशीर अहमद के दादा हज़रत मियाँ अब्दुल्ला अल मारूफ बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर मुर्शद हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन कियानी नक्शबंदी मुजद्दी के हुक्म से अपने वतन संजोड़ा हज़ारा से हिजरत करके मौजूदा ज़िला गांदरबल के इलाका बाबा नगरी वांगत में सदाबहार दियोदार और कायरू के जंगल में फलकबोस को सारों के दामन में आकर रहाश पजीर हुए और मुर्शिद की हदायत पर इबादत और रियाजत में मशगूल हो गए। रुश्दो हदायत और लंगर शरीफ का सिलसिला जारी किया जहाँ से लोग शिकम सहरी और रूहानी सुकून से बराबर होने लगे। यहीं इनका चंद नफूस पर मुश्तमिल कुंबा कनायत और तवक्कल की ज़िंदगी गुजारता रहा। हदायत के मुतलाशी लोग इनके रूहानी कमालात से फैज़याब होने के लिए शुरू में कुर्ब जवार और बाद अज़ां दूर दराज इलाकों से कशां कशां आने लगे और इस तरह ये दूर उफ्तादा खिता मरजाए खलाइक बन गया। इस धरती पर नेकबख्त औलाद जन्म ली, दो फरजान और तीन बेटियां हुईं। आपके फरजंद अकबर हज़रत मियाँ रुकन आलम हिजरत के दौरान आपके हमरा तशरीफ़ लाए थे, वफात पा गए। आपके दूसरे फरजंद हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने यहाँ ज़िंदगी के हर शोबे में खातर ख्वाह तरक्की की, बड़ा इकराम और शोहरत पाई। दीन और दुनिया की तरक्की में मालिक की हकीकी ने बाहर पहलू उन्हें खूब नवाजा। वो सिर्फ जलाल व जमाल का मुजस्मा ही ना थे बल्कि उनकी पाकीज़ा सीरत भी लामिसाल थी। इल्म व अदब, रूहानियत और सियासत के बुलंद मीनार थे। उन्हीं के दम से दरबार बाबा नगरी में हर तरह तरक्की हुई। रियासत और बैरून रियासत इरादतमंदों में खूब शोहरत हुई और फैज़ आम का सिलसिला बदर जाए उतम जारी रहा। उन्हीं के यहाँ 21 अक्टूबर 1922 में दरबार शरीफ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर पैलनार के मुकाम पर आपकी खुशकसाल एहलिया बीबी गुलाम फातिमा के बतन से हज़रत मियाँ बशीर अहमद साहब की विलादत हुई। ख़ास बात यह है कि हज़रत जनाब बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने पोते की पैदाइश की खुशखबरी सुनकर बेकरार हो गए। उन्हें नौज़ाइदा को बुला लिया, मंगा लिया और गोद में रखा, सीने से लगाया और उनके मुंह में अपनी ज़ुबान रख दी। ये बड़ी इनकी ज़िंदगी का एक बड़ा ख़ास पहलू है और जिसे घुट्टी में जो बच्चे को पहले खुराक दी जाती है उस खुराक के तौर पर हज़रत बाबा जी साहब के लुआब दहन उनको नसीब हुआ, वो घुट्टी मिली। एक ऐसी ज़ुबान चूसने का मौका दिया जिस ज़ुबान ने कभी भी दुरूद व अज़कार और इसमें आज़म के वर्द से कभी किसी किस्म की कोताही नहीं की। और ज़ाहिर है कि रूहानियत के चश्मे फूटने लगे और वो फैज़ जो है वो उस घुट्टी के ज़रिए
हज़रत के सीने में मुंतकिल हुआ। हज़रत ने बज़ाहिर दीनी तालीम घर पर ही हासिल की, उनके उसातिज़ा में बड़े कादावर शख्सियतें थीं। मौलाना मोहम्मद इस्माइल ज़वी साहब का नाम सुना होगा आपने, उनके उस्तादों में वो भी थे। और छतरगुल से एक मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब थे छतरगुली, तो उन लोगों ने आपको कुरान शरीफ की तालीम दी और फिर आपने वालिद मोहतरम से उन्होंने तालीम हासिल की। फ़ारसी, अरबी, उर्दू और पंजाबी ज़ुबानों पर आपको मलका हासिल है। जब भी गुफ्तगू करते हैं जिस ज़बान में चाहें बोलें, कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं होती है। इतनी हमागीर और हमजहत शख्सियत जिसके लिए ये कहा जा सकता है कि वो किसी भी सूरत में खामोश नहीं बैठ सकती, यहाँ के लोगों की मफलूकल हाली इस्तेसाली कुव्वतों के ज़रिए उनका कुचला जाना, उनको तकलीफ़ पहुँचना, उसके लिए वो बेकरार रहे। आंखें खोली तो हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने उन्होंने उनकी मौजूदगी में ही एक सियासी सिलसिला जो है वो शुरू हो गया और वो फ़ाल रहे, हमेशा फ़ाल रहे। यहाँ सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का कंगन में उन्होंने एक जलसा बनाया जिसमें सारे हिंदुस्तान से चोटी के उलमाए किराम तशरीफ़ लाए और दो दिन तीन दिन तक वो कॉन्फ्रेंस यहाँ जारी रही। हज़रत मियाँ साहब के दिल में जो चीज़ थी और जो चीज़ है वो हमेशा तड़प रही कि इंसानियत की किस तरह खिदमत की जाए और किस तरह इन लोगों को आपस में जोड़ा जाए और इनकी मोहब्बतों के चिराग जो हैं इनके सीनों में कैसे जलाए जाए और इनके दिमाग जो हैं उनको किस तरह बेदार रखा जाए। और ये उन्होंने किया, मतबूआत का सिलसिला शुरू किया, बहुत सारी किताबें छपवाईं। मियाँ साहब का ये सिलसिला जो है वो यहीं पर नहीं रुकता है। हज़रत आपने बहुत कुछ देखा दुनिया में, इक्तदार भी देखा, जमाल से तो आप फैज़याब हैं ही, जलाल भी देखा। ये सारी चीज़ें हासिल करने के बाद आज आप क्या महसूस करते हैं और क्या इतनी चीज़ें हासिल करने के बाद कोई ऐसी चीज़ भी है जिसके हासिल ना होने की आपके दिल में हसरत हो? हसरत ये है कि जहां हमने जाना है वहां हमारे साथ क्या सलूक होगा। आपकी सारी उम्र लोगों की खिदमत के साथ से पहले काल अल्लाह काला रसूल्ला में ही बसर हुई, तो आप अपने तजुर्बात के बारे में हमें कुछ बताइएगा। जनाब वाला, तजुर्बात के सिलसिले में दो पहलू, एक मेरी पैदाइश से लेके इस वक्त तक गैर सियासी हालात माहौल और उसके साथ निभन जाना, दूसरा है कि इस रियासत में एक दौर ऐसा था जिसमें यही सुनते थे हम कि गुलामी गुलामी गुलामी। हत्ता कि एक दफ़ा मैं बैठा हुआ था तो मागम शरीफ के हजरात जो थे उन्होंने बात करते हुए कहा कि हमारे दो लड़कों की शादी थी और उस शादी में वो लड़के गए थे दुल्हन लाने के लिए अपनी अपने बरात लेकर, पीछे से पुलिस आई, ना पता दुल्हनों का चला ना उन शादी वाले फिर वापस आके हमें मिले, उनको वो पकड़ के बगार में ले गए और वहीं गलगित या किस जगह वो मर गए। ये है एक माहौल। दूसरा है कि हमारी ये तो रियासत है, तिजारत के लिहाज से ये एक मंडी थी, झारखंड से इसकी तिजारत होती थी, पेशावर से इसकी तिजारत होती थी, रावलपिंडी से इसकी तिजारत होती थी, जम्मू से, सियालकोट से, इन चीज जगहों से इसकी तिजारत होती थी।
इस कारोबार में सियासत का आफ्ताब तुलबा हुआ। जब हुआ तो हर आदमी ने यह महसूस किया कि ये सियासत हमें किसी किनारे पर लगाएगी। तो मैं आप यहाँ हम सब जितने भी बैठे हुए हैं तारीफ़ करें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा पेशा है, ये उस्ताद ने सिखाया हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि हम बट गए, हमारे तफरके हो गए, और जब हमारे तफरके हो गए हैं तो मैं आपको नहीं पहचान सकता, मुझे शुबा है, आप इनको नहीं पहचान सकते, इन पर शुबा है। तो नगरी मेरी हुकुम सजन था, हकम आप ने आए, किस अगे फरियादी जाइए, करिए न्याय सतम था। इससे पहले मैं कल्चरल एकेडमी और दूरदर्शन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ये इतना हसीन मौका दिया, और इस हसीन मंजर में हम हजरत बाबा जी के साथ हम कलाम हैं। और मैं समाजी एतबार से आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता था, आपने खुद ही इसमें सियासत लाई और मेरे लिए आसान हो गया मसला। तो मैं जब आपने ये बात की कि यारकंद के ज़रिए सिल्क रूट के साथ 1930 तक हमारा कारोबार चलता रहा, बल्कि 1948 तक भी चलता रहा, तो आपको क्या लगता है कि अब हम इसको किस तरह से दोबारा, आपको लगता है कि ये लोग जो हैं जो आपस में बिछड़े हुए लोग हैं और आपस में उनकी ख्वाहिशें भी हैं कि वो मिलें, तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए क्या किया जाए और क्या होना चाहिए? जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, अगर हम मुनज़्ज़म ना हो जाएं, हम एक कायद को तस्लीम ना कर लें, हमारा एक इमाम ना हो जाए, ये नमाज पढ़ी नहीं जाती। तो कायद कौन है आज की डेट में? जी कायद कौन है आज की डेट में, आपको क्या लगता है इस वक्त कौन है? ये जो भी हैं ये सारे मेरे बच्चे हैं। जो हकीकत है, जिसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, देहाती भी जानता है, शहरी भी जानता है, इस वक्त हम किसको कायद कहेंगे? जम्मू वाले कुछ कहते हैं, पुंछ वाले कुछ कहते हैं, और कश्मीर में तीन पार्टियां जो कुछ कहती हैं, हम सुनते ही हैं, वो कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आज कौन करता? 47 के पहले जड़ी पोजीशन थी रोड की, इस इलाका की, श्रीनगर की, उस वे उड़ी कोई रस्तो थो, ज्यादा वो रस्तो इस्तेमाल हुए थो जान वास्ते, लोग सर्दियों के बिच ज्यादा जम्मू जाए था या मुजफ्फराबाद जाए था 47 के पहले, या हम यह सुना के उस वे टांगा में था जी। 47 भी बहुत पहले यह चीज थी कि बग्घी थी, बग्घी दजी बाई उसको नाम था, जिसने की बगी थी, जो डाक आने था रावलपिंडी ते एक दिन भी श्रीनगर, और उन डाका ने सुबह 8 बजे तकसीम की हो जाए तो सिटी बिच डाक का इंतजाम जो था वो इस किस्म को था, हर 4 मील पर 6 मील के ऊपर बगी के वास्ते घोड़ा हमें था, तो जिड़ी बगी रावलपिंडी ते बंद की जाए थी डाक वगैरह पार्सल किसी की या काय चीज बाजड़ी डाक डाक आवे थी, उसने रावलपिंडी से अगर वह सुबह 5 बजे चले थी तो दीगर ना 5 बजे मीरागंज ला के बाद खोली जाए थी, वो इंतजाम वो थो। अलबत्ता जिस हद तक इसको तो सवाल है कि कर्ज के थो, सूद दर सूद के थो, इस सिलसिला के बीच गरीब पिटे जा रहे हो तो अमीर लौट रहे हो तो, और वे लोग था जड़ा बड़ा शातर था, चलाक था, सारा कुछ तो चुनाचे श्रीनगर के बीच सब तो ज्यादा इस रोल ना अदा करने वाला पंडित, पुंछ के बीच, रजौरी के बीच, जम्मू के बीच ये लोग जड़ा था ये करें था, इसको कहना है सूद दर सूद ये कर्जा न वसूल करने वास्ते अदालतों का सहारा लेन था,
और कुड़ुकें दी। चुनाचे मेरे कोले बेशीर के इसका जिस वक्त शोर उठ्यो तो बाबा साहब उन्होंने इतू दे गया रजौरी के बेच, तो उन्होंने उस जगह जिस वक्त 20,000 आदमी का मजमा में तकरीर कर समको कि खबरदार आज तो बीच किसी ने न सूद दई हो, सूद का भी नहीं पता लगो तो वो भी नहीं लगो। ये इस तरह का वाक़या एक्सीडेंट था। गुजर जाट कॉन्फ्रेंस बनी, वो पहली तंजीम जो है वो बनी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। तो वो एक तो किस जगह में बनी मैं बता, और किस साल में बनी? 1990 में बनी। 1991 में गुजर जाट कॉन्फ्रेंस का सियासी जलसा जो था बिक्रमी में, बिक्रमी वो हो गया 1932-33। तो शेख साहब ने ये थे 27, 28, 29 28 बैसाख तक पुंछ के शहर में, और जिसे फुहारा चौक भी कहते हैं, रानी बाग भी कहते हैं, उसमें ये कॉन्फ्रेंस हुई। दो दिन के बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की कन्वेंशन होनी थी, तो उसका इजलास होना था। तो महाराजा पुंछ ने ऐन वक्त पर जवाब दे दिया कि हमारी औरतें नहीं मानती हैं कि यहाँ पर हमारा इसके रानी फारा में जलसा हो, लिहाजा हम नहीं देते। तो लोगों को इतना गुस्सा आया कि श्रीनगर से, जम्मू से, मीरपुर से ये चटाई, बर्तन, पकाने वाले, खिलाने वाले ये हाथों पर उठा के 4 घंटे में पहुंचा दीजिए। उड़ी माल छोड़ा है ट्रकों ने, ट्रक इधर गए हैं, माल पीछे से लोगों ने उठाया पहुंच लेके। मैं खुद वो मंजर देखता रहा हूँ। फिर 30, 31 और पहली जेठ जो था ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का पुंछ के शहर ईदगाह में जलसा हुआ, और शेख साहब ने तकरीर करते हुए कहा ये राजा, तो बिजली बुझ गई, बंद हो गई। जाट कॉन्फ्रेंस जी बनाई है, इसको मकसद क्या था? इसलिए कि जिस पर नाइंसाफी हुई उसने बाबिला किया, उसने पार्टी बना ली। सीधी बात, अक्सर सियासत में ऐसा होता है कि लोग आखिरी दम तक, जब तक सांस भी नहीं छूटती, सियासत से किनारा कश नहीं होते। तो आप इतने साल पहले, जबकि अल्लाह ताला के फजल व करम से आपकी सेहत भी ठीक ठाक थी, चाको चौबंद थे, तो मियां बशीर साहब को किस चीज़ ने ये तहरीक दी कि वो सियासत से किनारा कश हो गए? मुझे सबसे ज़्यादा जो इस माहौल में एक ऐसा तरीका इख्तियार किया गया, हाथ की मेरी तवे की तेरी, हाथ की मेरी तवे की तेरी, किसी को किसी का हक नहीं मिलता है। तो इससे ये मतलब ले कि आपने बददिल होके सियासत छोड़ी है, आपने नाराज होके सियासत से किनारा कशी इख्तियार की? मैं क्या करता, खुदा का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने मुझे घर में एक ऐसा आदमी दिया जिसको मैं अपने आगे कुर्बानी के लिए कौम के सामने पेश करो। ठीक ठीक जी जी। तो आप इनके काम से मुतमईन हैं? किसके? मियां अल्ताफ अहमद साहब के काम से? यहाँ पॉलिसी ही कोई नहीं है तो। इन हालात में आपको कश्मीर का मुस्तकबिल कैसा दिख रहा है? अभी तो बादल छाए हुए हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरा एक सवाल है कि ये जो इतना पैसा यहाँ दिल्ली वालों ने भेजा अभी तक 1947 से आज तक, ये यहाँ पे तब्दीली क्यों नहीं आई, लोग क्यों नहीं बदले? वो अफीज जालंधरी ने शायद लिखा है कि क्या, जाहिर में तो इनका बातन है लेकिन पेट है इंजीर का। जी वो हम पूरी ये इल्जाम, नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब इतना काम हुआ, इतने पैसे आए, क्या आपकी नज़र से? मैंने जो आपसे अर्ज किया है,
پیسے کو آنے والی چیز کو چھوڑیے, آپ بھی ہم بھی سارے اس ریاست کے باشندے ہیں, اس زمین پر ہمارا حق ہے, میں چمن میں چاہے جہاں رہوں میرا حق ہے فصل بہار پر. میاں صاحب میں جسارت کروں, میں کچھ جاننا چاہتا ہوں. فرمائیے. یہ سیاست کی باتیں ہوئی زیادہ تر اور ڈیولپمنٹ کی کچھ باتیں بھی ہوئی, لیکن آپ کو زیادہ تر ایک روحانی شخصیت کے طور پر جانا چاہتا ہے اور روحانی قدروں سے ہم بھاگتے جا رہے ہیں اور اس سے ہماری پوری سماجی زندگی میں ایک تنزل سا ہے, آپ خود کیا محسوس کر رہے ہیں؟ وہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے. آج جتنی روحانیت سے, طریقت سے, شریعت سے, وعدہ نیت سے خدا کی مخلوق بگڑ رہی ہے, یہ ایسا خطرہ آ رہا ہے سامنے جس خطرے سے نجات پانی بڑی مشکل ہے. ایک اور چیز میں جاننا چاہتا تھا, آپ ایک سیاسی شخصیت ہیں, ایک روحانی شخصیت ہے, زندگی کا بہت سارا وقت آپ کا سیاسی سرگرمیوں میں بھی گزرا, سماجی خدمات میں بھی گزرا, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس مریدوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آپ کے پاس فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں, لیکن اتنی کتابیں ہیں جن کو آپ نے ایڈٹ کیا ہے, ان کی ایڈیٹنگ میں اور ان کو جمع کرنے میں آپ کا بہت, یہ جو آپ کی زندگی کا یہ پہلو ہے کتابوں کے ساتھ رہنا, علم اور ادب کے تئیں خدمات انجام دینا, اس کے لیے آپ کو کہاں سے وقت ملتا تھا اور یہ جو یہ شوق اور ذوق تھا یہ کس قدر آپ پر غالب رہا زندگی میں؟ اس میں جناب یہ بات ہوئی ہے کہ یہ جب میں نے سلسلہ شروع کیا ہے یہ ریکارڈ سارا یہاں جمع ہے اس مسجد میں, مجھے کہیں باہر نہیں جانا پڑا, آپ آ گئے, یہ آ گئے, وہ آ گئے, میں نے ان کو کہا ذرا ان کاغذوں کو دیکھو مجھے سمجھاؤ, میں نے ان کے مشورے بھی لیے, پونچھ والوں کے لیے, رجوری والوں کے لیے, اور کشمیر میں بھی اس قسم کے لوگ ہیں جن کو 180 سال 82 سال ہو گئے ہیں ان کتابوں کو ان کاغذوں کو دیکھتے, تو یہ اس کے اس مثال کے طور پر وہ مسجد شریف جس کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے یہ بابا جی صاحب کی عبادت ہے, وہ اسی میں رہتے تھے, اسی میں ان کا وصال ہوا اور اسی میں ان کو غسل دیا گیا اور یہاں سے وہ اس قبر میں چلے گئے جو 20 سال پہلے انہوں نے بنائی تھی, اس وقت بھی اسی قبر میں. یہ سارا ریکارڈ کچھ آپ کی زبانی, کچھ ان کی, کچھ ان کی, لکھنے والے بھی جیسا کیسا ہوتا تھا مل جاتے تھے, میں ان کو اس کام پر لگا دیتا تھا. پھر یہ کچھ کتابیں جو ہیں یہ الطاف نے کروائی ہیں, یہ میرا شوق ان کے دل میں تھا یا اس کو خدا پاک نے یہ خود نعمت عطا کی, میں تو بیچ میں مقدم ہوں. حضرت ابھی آپ نے ایک شعر پڑھا اس کا, حفیظ جلندری صاحب کا, سنا ہے حفیظ جلندری بھی یہاں آئے تھے؟ ہاں بہت سال آتے رہے ہیں. اچھا وہ یہاں آتے تھے؟ جی ہاں جب آتے تھے, اور حفیظ جلندری کا میرے پاس لکھا ہوا شاہنامہ اسلام پر اوپر موجود ہے. اچھا اچھا, وہ انہوں نے لکھا ہے, میں چوہان ہوں ذات کا. اچھا, اور میں نے فلاں فلاں جگہ میں قیام کیا ہے اور تجسس کیے ہیں انسانوں کے بھی, حالات کے بھی, کانگریس اور مسلم لیگ کے بھی, لیکن مجھے جو سکون وانگت میں میاں نظام الدین صاحب کے ساتھ مجلس میں ملا وہ کہیں نہیں ملا. سوال میں ذاتی طور آپ سے پوچھنا چاہتا تھا, جی آپ نے اپنے پورے سیاسی سماجی زندگی میں دنیا دیکھی, تو شیخ صاحب سے لے کر مولانا محمد سید مسعودی, مرزا افضل بیگ, صادق صاحب, اندرا گاندھی, پتہ نہیں کن کن لوگوں کے ساتھ, پھر سرحد کے اس پار بھی آپ نے جو کشمیر کا دوسرا حصہ ہے سردار محمد عبد القیوم خان سے لے کر اتنے لوگوں کے ساتھ آپ کا میل ملاپ رہا, کسی ایسی شخصیت کا نام آپ بتائیں گے جس نے آپ کو متاثر کیا ہو ان میں؟ سب سے زیادہ میرا تعلق جو رہا وہ شیخ صاحب سے. جی اس کی یہ وجہ ہوئی کہ شیخ صاحب کے خاندان میں جب
बेगम साहब शादी होके आई तो शेख मैयदीन का उनका कुछ पता नहीं कि क्या बात हुई तो वो बेगम साहब सीढ़ी से गिर गई, उनके मकान की जो सीढ़ी है उससे वो गिरी, वो जख्मी हुई। जख्मी हुई तो उन्होंने शेख साहब को कहा मुझे इस तरह की तकलीफ है, मेरा खामोशी से कोई इलाज करवाओ। सुबह वो टांगे में बैठे, वायल आए, वायल से उस घोड़े टांगे वाले पर काठी डाली, बेगम साहब को बिठाया और आगे आए तो आगे उस वक़्त कोई इतनी पहचान नहीं थी, वो आए तो वो आते आते पारली सड़क से रात वांगत रहे जी। सुबह शेख साहब यहाँ आए, बेगम साहब नहीं आई, तो शेख साहब ने बाबा साहब से बात की होगी, बाबा साहब को कुछ परेशानी जैसी हो गई। फिर एक नाजरा भी थी यहाँ टांगमर की औरत ग्वास में नारायणनाग, उसको बुलाया उसी वक्त यहाँ, तो बेगम साहब को यहाँ लाया, वो महीना डेढ़ महीना यहाँ रही, मेरी वालदा भी उनके साथ रही, वो नाजरा भी रही, और भी यहाँ कोई सुबह से रात की औरत आ जाती थी, कोई पुंछ की, कोई यहाँ की, जो इस जनाना तर्ज तरीका की मार्म थी। तो बेगम साहब ठीक हो गई। तो शेख साहब का जब पहली बार आए थे तो यहाँ कोई दो गज बर्फ थी, इधर 12-14 आदमी उनके साथ थे, यहाँ वो घोड़ों पर से उतरे आए बैठे अंदर, मुझे खुशी होगी कि 14 घोड़े हैं, आज तो मेरा सवारी का काम हो गया। तो यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए थे? हाँ जी जी, पंडित जी आए यहाँ से, फिर चाय शाय पी, खाना खाया, जिस साल सोपुर में कन्वेंशन था, कन्वेंशन हुई। आपके बचपन की तरफ जाते हैं, लड़कपन की तरफ जाते हैं, बचपन और लड़कपन का कोई ऐसा वाकया जो सबक आमोज भी हो और दिलचस्प भी हो? ये बड़ी मार बाबा साहब से। और उस वक्त रोते थे कि ये बाप क्यों मारता है, आज रोते हैं कि वो मारने वाला कहाँ चला गया। इसी तरह घोड़सवारी के बारे में हमने सुना कि आपने एक ही दिन में यहाँ से तक। हाँ बिल्कुल, एक बार नहीं, 4-5 दफा, और खुदा पाक के फजल से मैंने ऐसे घोड़े रखे हैं जो कश्मीर में या जम्मू में किसी के नहीं थे जी। इस वक्त भी आपका दिल करता है सवारी करते हैं? बिल्कुल, मैं तड़पता हूँ। आपको मैं बताऊं तो एक आदमी मुझसे जो जीन ला वहाँ से लाता था कानपुर से, क्योंकि आप सियालकोट से तो आ नहीं सकती ना, वहाँ बनती हैं, तो मैंने उसको 5-6 साल हो गए, नहीं थोड़ा हो गया, मैंने उसको तलाश किया, वो नहीं मिला, रजौरी का है, परसों अचानक जहाँ आ गया। मैंने पूछा तुम कहाँ थे, उसने कहा ये बात है, कुछ इस तरह करने लगा। मैंने कहा ये लो चिट्ठी, ये लो कराया, कानपुर जाओ, मेरी काठियाँ दो बना के लाओ, एक इसके लिए एक मेरे लिए। आप डायरी बहुत पहले से लिखते रहे थे, ये शौक कब से आपको पैदा हुआ था डायरी लिखने का? पहले इब्तिदा में बाबा साहब लिखते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनकी डायरी पर मैं पढ़ता था, आज हमने ये कसूर किया, आज घोड़ा लंगड़ा किया, आज इस तरह हुआ, तो मैंने कहा मैं भी लिखूं। अच्छा, आप भी लिखते रहे? तो फिर मैंने लिखा, 8-10 साल हो गए नहीं मैं लिखता जी जी, लेकिन उस वक्त तक मेरे पास 60-70 साल का पूरा रिकॉर्ड, डायरी का रिकॉर्ड। मिल्लत इस्लामिया के खुसूसन इस्लाह का, उसके सही नक्शे कदम पर चलने का, उसके निजात का जरिया जो था और फलाह का जो जरिया था, वो कदीम मदारिस खानकाएं जो है वो ही हुआ करती थी। वो हज़रत शेख पीरान पीरन हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जो बगदाद शरीफ में मदरसा निज़ामिया था, वहाँ से लेकर आज तक की जब हम तारीख देखते हैं तो वहाँ इस्लाह का एक पहलू नज़र आता है। आज की मौजूदा जो मुजावरत है या खानकाएँ हमारी, उसके अंदर इस चीज़ का इन्हितात क्यों हो गया है और वहाँ मुसलमानों की क्या हालत है और वो अपनी जिम्मेदारियाँ क्यों नहीं निभा रहे?
सरकार बगदाद के ज़माने में बगदाद का किस्सा था उस वक्त था। आज आपको इस बसात अर्द पर कोई गोदड़ी पोश ऐसा मिलता है जो राजदार हो। मैं आपके सामने एक बात अर्ज करूँगा, मेरी उम्र 2.5 साल थी, मैं बीमार था तो मेरा सांस निकल गया। मेरी पुफी इकबाल साहब की माँ और मेरी वालदा रोने लगी, बाबा जी साहब उस मस्जिद में रहते थे, उन्होंने दरवाज़ा खोल के पूछा उनको कि तुम क्यों रोती हो, क्या बात है। तो उन्होंने मेरा कहा कि ये गुजर गया, कहा ये खुदा का काम है, तुम्हें तुम रो रो कर क्या करोगी। अच्छा, यासीन साहब के वालिद का कहा उनको कहो कब्र तख्ते की तैयारी करो, मैयत को मेरे पास ले आओ, मैयत को मेरे पास ले आओ। ले आए वो, यहाँ रखा उनके पलंगपुर मुझे, वहाँ कब्र तख्ते की तैयारी हुई और कब्र खोदी भी, कुछ 2 इंच खरी खोदी या कितनी खरी खोदी, तो मेरी ये रगें जो हैं ये हरकत करने लगी। ये जब हरकत करने लगे तो बाबा जी साहब ने इनको बुलाया, ये आए तो कहा तुम तो जिंदे को दफन करने लगी थी। इनको थोड़ी सी झाड़ दी कि तुम लोग समझते नहीं हो, ये है वो है, तो ये तो जिंदा था, इसको जिंदे को दफन करने लगी। उन्होंने शुक्र किया, उन्होंने मुझे अपने छाती से लगाया, अब बैठी हैं। तो इतने में कहीं किसी दुल नाम था उस आदमी का, उसने बाबा साहब को कहा रस्ते में कि ऐसा हो गया है। बाबा साहब आए तो बाबा साहब फरमाते हैं कि स्याह किस्म क्या, मलमल का साफा मेरे सिर पर था, अबरक लगी, पूरा जेंटलमैन था मैं। तो मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे ये ख्याल नहीं पड़ा कि वो साफा मेरे यहाँ एक हिस्सा उसका गले में पड़ा हुआ है। बाबा जी साहब ने कहा मियाँ मेरा एक शेर लिखो, किसी भी सूरत में वो कशफ ऐसा नहीं कहते थे जिस सूरत में दूसरा ये समझे कि ये कशफ है, शरीयत का पर्दा होता था। बाबा साहब ने कहा कलम द्वार रखे हजरत के सिरात, उन्होंने दिखाया लाम लख करामता और पीछे पहला दे असाडी वार पीरा, डूबे लख बेड़े 12 बरस देड़े, लाए घूमनू कड के पार पीरा, सारी उम्र डोली दीती तद बोली, खातर रब दी चपा मार पीरा, अब सदका आसन हुसैन दा जी, मेरे सिर थी गम उतार पीरा। इन्होंने लिखा कहा सुनाओ, इन्होंने सुनाया, सुनने के बाद बाबा जी साहब जलाल में आ गए, बेखुद हो गए। तो उन्होंने कहा कि मेरे से आगे लाखों फरियादी फरियाद कर रहे थे, तो मैंने कहा आज पहले मेरी बार है, फिर और करो जो कुछ करना है। मैंने अपने सीधी को गौस पाक की गोद में डाल दिया है, गौस पाक जाने खुदा जाने। अगर आज के रोज़ आपको अपने लोगों हम सब के लिए या नई नस्ल के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पहली बात है ये तो बरादरी और ये तबकाती जो इख्तलाफात हैं इनको ख़त्म किया जाए जी, पहली बात ये है कि इनको तबकाती लड़ाई। दूसरे मुसलमान जो है वो एक हो के ऐसा रहे जैसे नाखन और गोश्त होता है, हाँ, वरना हम किसी उस मिशन में नहीं जा सकेंगे जो काफले मंजिल मकसूद पर पहुंच के। यानी उसके लिए इत्तेहाद और इत्तफाक का होना बहुत जरूरी, बगैर इसके कोई रास्ता नहीं। जनाब मियां साहब, हम आपके बड़े मशकूर हैं, मैं
ریاستی کلچرل اکیڈمی اور دوردرشن کیندر سری نگر کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔